अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर लम्हा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत खूबसूरत होता है। रोहन, मर गया रोहन। रोहन, हाँ बोलो। रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गैलरी अभी तक ओपन नहीं हुई है। और रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ मुझे, आई एम फाइन। और एक बात बताओ, भगवान जी ने तुम लड़कियों को सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन सिखाया? वैसे भी मोहब्बत की राहों में आशिकों को हजारों चोटें आती हैं, हमें तो सिर्फ मामूली खरोच चाहिए। रोहन प्लीज, ये घटिया फिल्मी शायरी ना कहीं और जाके बोलना। डॉक्टर के पास चलो, उठो। यू नो व्हाट मुस्कान, जब तक मैं रोहन की लाइफ में थी ना, तब तक उसकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी। लेकिन जब से तुम उसकी लाइफ में आई हो ना, उसकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट टाइम से मैं ये ख्याल रखूंगी कि रोहन के आसपास तुम जैसे सेल्फिश लोग बिल्कुल ना रहे, क्योंकि रोहन को ना तो मैं प्रॉब्लम में देख सकती हूँ और ना ही उसे प्रॉब्लम देने वाले लोगों को। उठो। हाँ हाँ, मुस्कान कहाँ जा रही हो तुम? मुझे इतनी चोट आई हो तुम्हें परवाह भी नहीं? वो मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा। रोहन, तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जाना होगा मुझे? ऐसे छोड़कर तुम जाना चाहती हो? मुझे जाना होगा। प्यार हमेशा करूंगा, मगर सिर्फ एक दोस्त के नाते। मुझे नहीं पता था मेरी बात नहीं मानने वाली मुस्कान का मेरी इतनी फिक्र भी करती है। लड़ लिया मैंने खुद से, बहुत तकलीफें दे दी मैंने खुद को। कब तक लड़ूंगी मैं अपने आप से? कब तक ये सोच सोच कर घुटती रहूंगी कि मेरा और रोहन का क्या रिश्ता? क्यों नहीं देख पाती मैं उसकी तकलीफों को? क्यों कमजोर पड़ जाती मैं उसके आगे? रो लिया मैंने, अब मुझे फैसला करना ही होगा। मुझे मेरी लाइफ की इस कंफ्यूजन से लड़ना ही होगा। अब समझ चुकी हूं मैं कि मुझे क्या करना। Thank you.
What's wrong? मेरे हर ख्याल में मुस्कान ही क्यों रहती है? सोते जगते उठते बैठते हर वक्त उसी का ख्याल आता है मुझे। आई थिंक इसी को प्यार कहते हैं। इस प्यार का क्या करूं मैं? कह दो उसे या चुप रहूं? चुप रहा तो पागल हो जाऊं, लेकिन बात कैसे करूं? गॉड गॉड प्लीज हेल्प मी। शायद मैं रोहन से प्यार करती हूँ, ये बात मुझे उसे बता देनी चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। सुनी जी मैडम, मुझे इसमें से एक रोज चाहिए था। आपको इसमें से जो भी पसंद आता है आप ले सकती हो। थैंक यू। जी सर, आपके लिए। अभी तुम नहीं लाया मेरे लिए? जिन्होंने दिया है उन्होंने आपको बाहर बुलाया है। थैंक गॉड। जाओ मैं आता हूं। जी सर। हेलो सर। हाय नर्स, ये एन ये एनवलप आपके लिए। ये भी मेरे लिए? बस किसने दिया आपको ये? सर मेरे टेबल पे रखा हुआ था, आपका नाम था तो मैंने आपको दे दिया। शो आपने किसको देखा नहीं है? ठीक है आप जाइए। विल यू मैरी मी? कौन मजाक कर रहा है ये? डॉक्टर साहब जी, ये लीजिए आपके लिए। ये किसने दिया आपको? तुमने देखा किसने दिया?
इतना सीरियस होकर मेरे बारे में सोच रहे थे? परफेक्ट टाइमिंग अनु, मुझे तुम्हारी इस वक्त बहुत जरूरत थी। रोहन, अच्छा ठीक है, पहले तुम बोलो। क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनु, I'm very confused यार। जो तुमसे मैं कहने वाला हूं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनु देखो, तुम मेरी हर बात जान लेती हो बिना कुछ कहे। तुम मेरे दिल के करीब हो। सो आई कैन शेयर एवरीथिंग विथ यू, राइट? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और मुझे पता है कि तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। श्योर रोहन, इनफैक्ट मैं भी आज तुमसे एक बहुत बहुत जरूरी बात करने आई हूं। और तुम्हारी हेल्प करने से पहले मैं तुम्हें वो बात बताना चाहती हूँ। हमेशा लेडीज फर्स्ट नहीं होती, पहले मैं कहूंगा। रोहन, मैं हमेशा पहले तुम्हारी बात सुनती हूँ, आज तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। अनु, मैंने कहा ना, पहले मैं कहूंगा। रोहन, पहले मैं। पहले मैं। पहले मैं। पहले मैं। पहले मैं। देखो, इस चक्कर में लड़ाई हो जाएगी। हाय। हाय मुस्कान। क्या हुआ? तुम मुझे देखकर इतने शॉक एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो? नहीं, एक्चुअली वो। ये क्या है? Will you marry me? ये क्या है? ओह, तो तुम किसी लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो और मुझे बताया तक नहीं? नॉट गुड। मुस्कान, मैं किसी को शादी के लिए प्रपोज नहीं कर रहा हूँ। कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। वेरी बैड अनिरुद्ध, कोई लड़की इतने प्यार से तुम्हें कार्ड देकर शादी के लिए प्रपोज कर रही है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मजाक कर रही है। तुमने तो उस लड़की का दिल तोड़ दिया। दिल तो तब तोड़ूंगा ना मुस्कान, जब वो लड़की मेरे सामने आएगी। क्यों? तुम्हारे वार्ड बॉय ने जब तुम्हें पहला कार्ड दिया था तब उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि वो लड़की कौन है? नहीं नहीं कहा, इनफैक्ट मैंने उसे पूछा। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे वार्ड बॉय ने मुझे पहला कार्ड दिया था? तुम इसमें इन्वॉल्व तो नहीं हो मुस्कान? एब्सोल्युटली नॉट। तुम ये सब क्यों करोगी? हाँ, मैं ये सब बिल्कुल नहीं करूंगी। और जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए एनवेलप नहीं बल्कि कुछ और है। मुस्कान, ये क्या? फॉर्च्यून कुकी। ये तो मैं भी जानता हूँ मुस्कान, फॉर्च्यून कुकी है, लेकिन ये व्हाट? ताकि तुम्हें तुम्हारा फॉर्च्यून पता चल सके। देखो ना मुस्कान, ये हॉस्पिटल और तुम मुझसे, ये मुझे इसे क्या मुस्कान? Will you marry me?
चलो नर्स, इन्हें आप जानती हैं? मिस दुग्गल, I'm sure आप जानती हैं। इनका दिमाग खराब हो गया, तो उनका सीटी स्कैन कराइए और रिपोर्ट मेरे कैबिन में भेजिए इमीडिएटली। कम 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 कम। अनिरुद्ध मेरी बात तो सुनो। अनिरुद्ध रुक जाओ। अनिरुद्ध तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूं? पागल हूं मैं? फॉर गॉड्स सेक समझने की कोशिश करो। मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले रही हूं, ये कोई मजाक नहीं है। मेरा डिसीजन है, मेरी मर्जी। वो सब कार और फॉर्चून कुकी, उसमें लिखी सारी बातें। यू मीन एवरीथिंग मुस्कान। इसका मतलब तुम मुझसे शादी करना चाहती हो मुस्कान? मतलब ये है कि तुम मुझसे प्यार करती हो मुस्कान? तुम मेरे साथ अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहती हो? Tell me मुस्कान, you mean everything और इससे? बयान नहीं कर सकता मुस्कान। सच मैं थक गया था तुमसे प्यार कर। मुझे यकीन था कि एक न एक दिन तुम इस दिल की बात समझोगे, एक न एक दिन तुम महसूस करोगे कि मेरे दिल में क्या है तुम्हारे।